अयोध्या में भगवान राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन होने के साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस भी राममयी होती नजर आ रही है। भोपाल के कांग्रेस मुख्यालय में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भगवान राम की पूजा अर्चना की और दीप जलाकर आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। कमलनाथ ने कहा कि राम मंदिर निर्माण का श्रेय किसी एक को नहीं जाता बल्कि पूरे देश की जनता को जाता है। हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म को इसका श्रेय जाता है। कांग्रेस के राममय होने पर आरोप लगाए जा रहे हैं तो बीजेपी के आरोपों पर भी उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम सबके हैं लेकिन बीजेपी इसे अपना कार्यक्रम बनाना चाहती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने भूमि पूजन को लेकर कहा कि ये ऐतिहासिक दिन है, उत्सव का दिन है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने राम मंदिर के ताले खुलवाए थे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया है। राजीव गांधी जी ने 85 में ताला खोला था और ये एक भावना उस समय से उभरी थी। उन्होंने 89 में कहा था राम राज्य होगा, उन्होंने कहा था कि राम मंदिर बनना चाहिए। ये 89 में बात है, कोई नई बात नहीं है। तो इसका कोई श्रेय लेने की कोशिश करे वो गलत होगा। मुझे तो खुशी होती कि आज जो निर्माण शुरू हुआ है अपने प्रदेश का, हर मुख्यमंत्री होता अपने प्रदेश की विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधि होता, अपने देश के हर जातियों का प्रतिनिधि होता, अपने देश के हर धर्म का प्रतिनिधि होता, क्योंकि ये किसी का नहीं है, ये उत्तर का नहीं है, ये दक्षिण का नहीं है, ये पूरब का नहीं है, ये पश्चिम का नहीं है, ये पूरे देश का है। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि धरी सी, भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि में मंदिर निर्माण होने जा रहा है। आदरणीय राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास हुआ था, उसके उपरांत आज भूमि पूजन वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने किया है, ये गौरव की बात है। भगवान श्री राम हमारे आराध्य देव हैं और हमारे लिए मानवीय मूल्यों की दृष्टि से प्रेरणादायक हैं। निश्चित रूप से आज हम सब के लिए हर्ष और उल्लास का विषय है।